चाट और दाल, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है भाई? बहुत इंटरेस्टिंग सा कॉम्बिनेशन है। एक्चुअली एक मुरादाबादी दाल होती है जो कि मेन कोर्स की तरह सर्व ना होकर एक चाट की तरह सर्व होती है। क्या आपने कभी उसका नाम सुना है या कभी उसे टेस्ट किया है? एक्चुअली आजकल शादियों में ये बहुत ज्यादा बड़ा चाकर प्रेजेंट की जाती है, इसके कई स्टॉल्स लगने शुरू हो गए हैं, लेकिन इसे बनाना बहुत ही इजी है। जितनी इंटरेस्टिंग रेसिपी है उतनी ही इजी और उतनी ही हेल्दी रेसिपी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ एक कप येलो मूंग दाल ली है, जिसे मैंने आधे घंटे के लिए पानी में सोक करके रख दिया है, और अब मैं इसे एक कुकर में ट्रांसफर कर लूंगी। इसमें अब हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, अ पिंच ऑफ हींग, अब इसका ढक्कन लगाकर हम 2-3 विसल दिलाएंगे। याद रखिएगा, हमने दाल को बिल्कुल अच्छे से मैशी बनाना है, खड़ी खड़ी दाल नहीं रखनी है। आप देख सकते हैं 2-3 विसल दिलाने के बाद ये दाल हमारी बिल्कुल अच्छे से मैशी हो गई है। कुछ ऐसी ही दाल चाहिए हमें अपनी चाट के लिए। अब दाल हमारी रेडी है, अब हम इसके लिए एक तड़का तैयार करते हैं। मैंने यहाँ एक पैन में 2 बड़े चम्मच देसी घी के लिए हैं, इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। जब घी हमारा अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हींग पाउडर और कुछ सूखी लाल मिर्चें। इससे दाल मुरादाबादी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसे अच्छे से हम भून लेंगे। थोड़ी देर भूनने के बाद हमारा तड़का रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं कि लाल मिर्चें हमारी कितनी अच्छी भून चुकी हैं। असल में मुरादाबादी दाल में टेस्ट ही इसी का आता है। अब दाल और तड़का दोनों हमारे रेडी हो चुके हैं, तो चलिए अब इसकी प्लेटिंग करते हैं। मैं यहाँ पर ले रही हूँ कुछ बारीक कटे प्याज, टमाटर और अदरक के जूलियंस, और साथ ही में मैं इसमें ले रही हूँ 1/2 कटा नींबू, बटर और कुछ हरी मिर्चें। अब हम ये गरम गरम देसी घी वाला तड़का इस दाल पर डाल देंगे, तकरीबन 1 चम्मच। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और अब हम इसमें डाल देंगे कुछ बारीक कटे प्याज, ऐसे ही दूसरे में भी डाल देते हैं, और कुछ बारीक कटे टमाटर। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच बटर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ हरी मिर्चें, और साथ ही में हम इसमें डाल गए कुछ अदरक के जूलियंस। इससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और अब हम इसमें डाल रहे हैं ये 1/2 नींबू का रस। अगर आप इसे थोड़ा और स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ी काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं और थोड़ा भुना हुआ जीरा भी ऐड कर सकते हैं। तो तैयार है मेरी मुरादाबादी चाट। कहा था ना कितना आसान है इसे बनाना, और ये इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है। और ये एक ऐसी चाट है जो आप घर पे बहुत आसानी से बना सकते हैं। और इसे बनाइए और अपने मानसून सीजन को एंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।